जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर नमन। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों 1992 की ये घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुन के आपके अंदर की इंसानियत हिलोरे मारने लगेगी, आपके अंदर का जज्बा बाहर निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा इंसानियत किसको कहते हैं। जम्मू प्रांत की एक फैमिली जिनका हेड ऑफ द फैमिली आर्मी में जॉब किया करता था, उनका ट्रांसफर हैदराबाद प्रांत में हुआ था। वहाँ पे फैमिली रहा करती थी, फौजी साहब अपने काम में रहते थे और उनकी फैमिली वहाँ रहती थी। अचानक उनका जो 7 साल का बेटा था परिवार में, उसको खांसी और दमे का प्रॉब्लम हो गई। दमे की प्रॉब्लम के चलते उन्होंने काफ़ी जगह से दोस्तों दवाई खिलाई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे को जितना आराम मिलना था उससे ज़्यादा ही उसका नुकसान हो रहा था। इवन एक ऐसी स्टेज आ गई कि बच्चा 20 कदम चलता था और बैठ जाता था, उसका सांस फूल जाता था। परिवार वाले दवाई खिला के तो पूरे हो चुके थे। उनको किसी ने सलाह दी कि बचपन में जिससे इसकी दवाई चलती थी जम्मू में, आप इसको जम्मू में ले जाइए। ये सलाह मान के फौजी साहब ने ऊपर एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन उनकी उस समय कुछ ऑपरेशन था उनका, इस कारण उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। जो उनकी हाउस वाइफ पत्नी थी उसी को अकेले वापस जम्मू आना था। दोस्तों अब खुद इमेजिन करिए कि 1992 के वक्त हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसा था। वो अकेली लेडी जो कि एक हाउस वाइफ थी, कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली और 3 दिन का सफ़र उसको अकेली को तय करना था। अब कैसे करना था ये तो टेंशन थी। अगर फौजी साहब को छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, ऊपर से जो बच्चा था उसको उसका भी लास्ट टाइम चल रहा था कि अब गया अब गया अब गया, ऐसी नौबत आ गई थी। अब कौन अपने बच्चे को आंखों के सामने मरता हुआ देख सकता है। निर्धारित वक्त पर फौजी साहब ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की टिकट कटा दी कि अब ये अकेले दोनों जाएंगे। दोस्तों सुनते रहिए, यहीं से वो घटना, वो जज्बा, वो इंसानियत की मिसाल प्रारंभ हुई, जो कि आज हमारे और आपके सामने भी एक मिसाल है जो आपको सुनाने जा रहे हैं। वो लेडी दोस्तों हैदराबाद से ट्रेन में बैठ गई। जब 1.5-2 दिन के बाद ट्रेन दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंच के उनको वो ट्रेन बदलनी थी और जम्मू वाली ट्रेन पकड़नी थी। ये सुन के बहुत उनको बुरा लगा कि ये ट्रेन बहुत लेट है। यहाँ पे दूसरा डाउटफुल पड़ गया कि ट्रेन लेट है, अब वो कैसे जाएंगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी जम्मू पहुँचना भी था उनको। वो दोस्तों जब ट्रेन में दिल्ली आने वाली थी तो वहाँ पर ट्रेन के उनके सामने वाली सीट पे 2 सरदार बैठे हुए थे, 2 सिख भाई बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग था और दूसरा बुजुर्ग का बेटा था। उस औरत ने उनसे पूछ ही लिया, भाई साहब हमको जम्मू जाना है, हमको बस कहाँ से मिलेगी। बस ये कहना था तो सरदार साहब ने पूछा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो जम्मू में। तो लेडी ने अपनी व्यथा सुना दी। सुन के सरदार साहब को बहुत बुरा लगा दोस्तों। सरदार साहब ने अपने बेटे को कहा, इस लेडी को आगे तक छोड़ के आ जाओ। जब दोस्तों उस लेडी को उन्होंने आगे तक छोड़ दिया, फिर जब वो लेडी को अभी भी ये पता नहीं था कि जी बस कहाँ से मिलेगी, 1-2 लोगों से पूछा, और आपको पता है कि दिल्ली में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ बोल के तक राजी नहीं है, और कहीं तक छोड़ना तो बड़ी मुश्किल की बात है। अब लेडी के पास थोड़ा सामान भी था, अब बच्चे को संभाले, बच्चे से तो चला नहीं जा रहा था, अब वो क्या करे।
सरदार भाई ही उनको छोड़ के जा चुके थे। इवन के 10 मिनट हुए, सरदार भाई फिर आए, कहते कि जी मैडम जी, पापा जी ने कहा कि जी ये बस में बिठा के ही आना, ऐसे नहीं आना, ये दिल्ली शहर है। अब वो सरदार भाई ने अपने आप सामान उठाया उनका, जैसे कि कोई रिलेटिव हो। दोस्तों देखिए, इंसानियत की मिसाल देखिए, उस भाई का दिल देखिए, जो 1992 के बाद उनकी जो गाथा है, उनकी जो इंसानियत है, मैं 2019 में सुना रहा हूँ आपको, 2019 में सामान उठाया और जाके जिस प्लेटफॉर्म से, जिस स्टॉप से जो बने होते हैं वहाँ पे बस स्टैंड पर, वहाँ पर टिकट ली, टिकट लेके लेडी को दी, उसके बाद सीट नंबर भी बताया, ये नंबर है सीट का, और बिठा के वापस आया। और दोस्तों वो लेडी आज भी कहती है कि जी सरदारों जैसा दिलदार बंदा कोई नहीं। तो दोस्तों ये होती है कि इंसानियत की मिसाल। कोई किसी के लिए अगर कुछ ऐसा करता है ना, कि एक जो अनजान सी लेडी थी दोस्तों, उसको पता ही नहीं था कि जी अब स्टेशन से मैं कौन सी साइड जाऊं, तो वो सारा जो गैप, अपना टाइम खराब करके, अपना टाइम यूज़ करके, वो सरदार साहब उस लेडी को बिठा के आए बस में। ये एक इंसानियत की मिसाल है, कौन किसी के लिए करता है। आज भी वो लेडी तारीफ करते हुए नहीं थकती। आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा ग्रेटफुल काम करिए कि जो अगला बंदा है, जो सामने वाला बंदा है, वो पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करे। कीमती समय देने के लिए आपका आभार। हर हर महादेव। और मेरे दोस्तों, 15,000 हुकुम्स मोटिवेशनल टेल्स के परिवार गण, पूरे होने की आप सभी को बधाई हो। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, और बहुत जल्दी आपके लिए हम हुकुम्स की वॉरियर कलेक्शन भी लेके आएंगे। जय बोले शंकर।